तो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम सल्फर पॉइंट में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप सब लोग भाई। और अभी सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं और आज हम फिर निकल चुके हैं अपनी एक नई मंजिल की ओर। आज मैं निकला हूँ सल्फर पॉइंट के लिए। अभी हम हैं यहाँ पे रायपुर में और अभी हम मालदेवता की तरफ जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या रास्ता है और कैसे कैसे जाना है। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये मालदेवता का पुल है एंड अब हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट, ये ऊपर वाले रास्ते पे। तो गाइस आप देख सकते हो मालदेवता का जो डैम है ये भी सूखा पड़ा हुआ है, अभी इतनी हद में गर्मी हो रही है। इसीलिए हम सुबह निकले अपने सफर पे ताकि हमें एक तो ट्रैफिक ना मिले और एक गर्म ना हो। सो गाइस अराउंड 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ से लेना है लेफ्ट, जहाँ तो दिख रहा होगा आपको एक छोटी सी दुकान वगैरह, तो यहाँ से लेफ्ट लेना है और इस रास्ते में जाना है। नीचे आने के बाद हमें लेना है यहाँ से राइट को जाना है। पूरा रास्ता आपको नदी के साइड साइड जाना है आगे तक। डेढ़ 2 किलोमीटर पड़ के आपको लेफ्ट में जा रहा होगा रास्ता, वो मत जाना नदी वाला, थोड़ा सा राइट में ले लेना जैसे हमने ले लिया है। तो अराउंड 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको रास्ते में एक एक गांव मिलेगा। गांव का नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इसी रास्ते से हमें जाना है या बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं। तो गाइस हमने अभी अपने समोसे करा रखे थे और मैं यहाँ बगल में आया और यहाँ पे एक मच्छी तड़प रही थी बेचारी बिना पानी के, तो मैंने विक्की भैया को बोला इसे उठा दो आराम से और पानी में डाल दे, यहीं पे डाल दे। हाँ बेचारी को थोड़ा सा जान प्राण आ गया। तो ये आ चुके हैं हमारे समोसे और ये हमारी मछलियाँ जो हमने पकड़ी है, ये देखिए रेस्क्यू किया। हाँ जो भी है हमने वो कर लिया है, समोसा वगैरह खा लिया है, हमारा पेट भर गया थोड़ा बहुत और ये अपनी हमने फिशेज रख दी है, बाकी हम हो गया रेडी। अब मौसम भी काफ़ी सही हो गया, पहले ठंडा ठंडा हो रहा था अब काफ़ी ठीक है। चलो फिर सल्फर पॉइंट, गाड़ी हमने यहाँ पे कर दी खड़ी और वहाँ पे काफी भीड़ है भाई, इतनी सुबह भी आ गई यार। क्या दिया तूने? क्या दिया? तो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम सल्फर पॉइंट में एंड ऑलरेडी इतना क्राउड है यहाँ पे, इतनी सुबह मतलब भाई और भी हमारी तरफ सोचते इतनी सुबह आ गए। चलो अब नहाते हैं फटाफट से। ये देखिए ऐसे नहीं लेते इनसे, ये उठाने वाली है, ये बच्चे उठाने वाली है। थैंक यू बोलो, थैंक यू बाय। दो बंदों ने हमें धोखा दिया, बाकी अब हम 2 कंटेस्टेंट बचे जो पानी में उतरेंगे और ऑलरेडी 9 बज रहे हैं भाई, अभी 9 बजने वाले हैं लाइव, 2 मिनट हो गए, 9 बज चुके हैं, देखो कितनी भीड़ है। तो गाइज अभी हम थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए देखिए शूट के लिए क्या क्या कर लेते हैं लोग। तो बाकी अभी हम शॉर्ट्स पे ही अपने, शायद आगे भी हमने बहुत सारी जगह देखी थी आते रास्ते में, तो वहाँ पे रुक के बन सकते हैं जलपरा वहाँ भी हम एक बारी के लिए। तो शायद वहाँ पे ये भी जलपरा जलपरी बन जाए, हम जलपरा बनेंगे, चलते हैं बाकी, है ना। चले चले
गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं इस जगह पे, थोड़ा बहुत हम उस जगह पर जाएंगे और यहाँ पे अब जाते हैं नीचे, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, देखते कितना गहरा है। जगह देखो एक बार, बहुत प्यारी जगह है ये देखो। बाकी अब देखते हैं पानी कितना गहरा है, जाके देखते हैं वहाँ पर, और ठंडा काफ़ी है। हम यहाँ से आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे से अराउंड 15 किलोमीटर है पूरा, 15-16 किलोमीटर है सल्फर पॉइंट। आज के ब्लॉग में इतना ही, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मुझे देखना, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, ओके बाय।